तो बेटा कक्षा 12 विषय इतिहास में जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसका नाम था औपनिवेशिक शहर, यानी कि बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इन शहरों के विकास के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज जो है हम बात करते हैं हिल स्टेशंस। हिल स्टेशंस मीन्स जो ऐसे स्थान जो पहाड़ियों में बसे हुए हैं, ठीक है बेटा, और जिनको जो है पर्वतीय सैरगाह भी कह सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में हिल स्टेशन मसूरी है, आपका नैनीताल है, आपका कौसानी है, ठीक है। तो उस तरह से कई सारे स्टेशन है यहाँ पे जहाँ पे लोग जो है पर्यटक आते हैं। शिमला है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर हिल स्टेशन, अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पर देखने के लिए। तो यानी कि पहाड़ों पे बसे हुए ऐसे पर्यटक स्थल जहाँ पे लोग जो है जाना पसंद करते हैं पर्यटन के, ठीक है। तो उसी समय जो है औपनिवेशिक काल, यानी कि जो ब्रिटिश शासन काल था बेटा भारत में, उस समय जो हिल स्टेशंस का विकास हुआ, तो इस तरह से जो है, और ये हिल स्टेशन जो है उनकी अर्थव्यवस्था के लिए, यानी कि जो अंग्रेजों की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी उसके लिए जो है महत्वपूर्ण सिद्ध भी हुए। कैसे? अब जैसे छावनियों का विकास होता था, ठीक है बेटा, तो छावनियों की तरह जो है हिल स्टेशन भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक विशेष पक्ष थी। यानी कि जैसे छावनियों का विकास होता है उसी तरह से जो है उन्होंने हिल स्टेशनों की स्थापना भी की गई, ठीक। इसकी बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की आवश्यकताओं से, यानी कि जो हिल स्टेशन बसाए गए वो जरूरतें किसकी थी? ब्रिटिश सेना, यानी कि जो अंग्रेजों की सेना थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सेना थी उसके लिए, ठीक है। वर्तमान में जो है जो शिमला है, शिमला में जो है अंग्रेजों की नहीं सॉरी, शिमला को जो है 1815 और 16 के दौरान, जब नेपाल गोरखा युद्ध के दौरान जो है शिमला की स्थापना की गई, ठीक है बेटा। फिर 1818 में अंग्रेज और मराठा युद्ध से जो है माउंट आबू, वो भी हिल स्टेशन बना, ठीक है। 1835 में जो है दार्जिलिंग को जो है सिक्किम के राजाओं से छीना गया, ठीक। अब ये हिल स्टेशन है। अब जो ये हिल स्टेशन थे ये क्यों थे? यहाँ पे जो है फौजियों को ठहराने, अपनी सीमा की चौकसी करने के लिए, अपनी सीमा की देख रेख करने के लिए, और दुश्मन के खिलाफ जो है हमला करने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी गई, ठीक है। फिर हुआ क्या, भारतीय पहाड़ों की जो आबोहवा थी, बड़ी साफ सुथरी आबोहवा, जिसको जो है बड़ा लाभदायक माना जाता है, आज भी माना जाता है, तब भी माना जाता था, ठीक। और इसलिए कि जो अंग्रेज हैं, अब ब्रिटेन है वहां तो ठंडे इलाके के लोग हैं वो, तो हमेशा जो है वो बोलते हैं गर्मियों में तो बहुत बीमारियां होती हैं, इसलिए जो है उन्हें तेज गर्मियों के कारण जो है हैजा और मलेरिया सबसे ज्यादा खतरा ये होता था उनको, कि यार कहीं डिहाइड्रेशन हो गया, कहीं मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया। लेकिन हिल स्टेशन जो है थे वो ठंडे होते हैं, वहां पे ना तो रिहाइड्रेशन का कोई चांस था, ना वहां पे हैजा होने की उम्मीद थी, और ना जो है वहां पे मच्छरों के काटने से मलेरिया का भय। इसलिए जो है जो ब्रिटिश शासन था वो अपने फौजियों से जो फौजियों को जो है इन बीमारियों से दूर रखने की कोशिश करते कि भाई सेना में किसी को जो है बुखार मलेरिया ना हो जाए, या फिर हमारी सेना में जो है किसी को हैजा ना हो जाए, तो इसलिए जो है इन बीमारियों से इनको दूर रखा जाता था। तो इस तरह से जो है सेना, अब सेना की जो है भारी भरकम मौज गई, अब ज्यादा पूरी बटालियन की बटालियन जा रही है, तो ये जो हिल स्टेशन है जैसे ये क्या बन गए, एक नई तरह की छावनी। जैसे लेहस्टोन है हमारा, लेहस्टोन में भी जो है जैसे आर्मी है वहाँ पर, सॉरी वहाँ पे जो भी सेना का जो कैंप है हमारा, तो वो भी एक हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया होगा, या जितने भी बनाए गए तो छावनी की तरह बने, ठीक। इन हिल स्टेशनों को जो है सेनेटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया, यहाँ पे जो है सिपाहियों को जब कभी कोई बीमार हो जाता था तो इनको कहाँ भेजते थे इलाज के लिए, हिल स्टेशनों पर। क्यों? क्योंकि वहाँ की आबोहवा अच्छी होती है, वहाँ पे जो है अच्छा वातावरण होता है, गर्मी कम है, तो बीमारियाँ जो है जल्दी ठीक हो जाएगी, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसलिए जो है जो कहीं इधर उधर से सिपाही, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसको इलाज और विश्राम करने के लिए कहाँ भेजते थे, हिल स्टेशनों पे भेजा जाता था। फिर इनकी आबोहवा जो ठंडी इलाके थे, तो इनकी जो आबोहवा थी वो ब्रिटिश वायु से, यूरोप की जो ठंडी जलवायु है यूरोप कंट्रीज की,
तो उनकी जलवायु से थोड़ा सा मिलती जुलती थी, इसलिए जो ये जो वहां से नए शासक आते थे, नए नए लोग आते थे, तो उनको जो है यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। फिर अपने जो यहाँ के इनके अधिकारी होते थे, ये जो है हर साल गर्मियों में जो है गर्मी बढ़ने पर जो है हिल स्टेशनों में चले जाते थे, ठीक। तो इसलिए जो है ये इनका विकास किया गया। हिल स्टेशन जो है जो यूरोप के लोग थे उनके लिए क्या थे, आदर्श स्थान थे, क्योंकि वहां पे जो है वो अपनी ठंडी जलवायु थी उनकी, बिल्कुल वहाँ के जो मौसम था वहाँ का जो वातावरण था उनको बहुत पसंद आता था, और वो अपने घर जैसी मिलती जुलती जो है वहाँ पे बस्तियाँ बसाना चाहते थे। इनकी इमारतें भी यूरोपीय होती थी, ठीक है बेटा। तो आज हिल स्टेशन जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे। इनके पास के इलाकों में जो है चाय कॉफी की खेती भी होती थी, चाय के बागान जैसे दार्जिलिंग देहरादून में भी होती है थी चाय, अब तो खैर नहीं है। तो इस तरह से जो है जो भी चाय कॉफी की खेती, फिर यहाँ पे नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे जो है इन बागानों में काम करने के लिए जो है मजदूर आने शुरू हो गए शहरों से, और यहाँ पे जो है काफी व्यावसायिक गतिविधियां भी होने लगी। तो इसलिए जो है अब हिल स्टेशन केवल, अब आज के जमाने में तो अब खैर सभी जा रहे हैं, यूरोपीय क्या, अब तो पूरे इंडिया क्या, पूरे विश्व के लोग जो है वहाँ पे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है अस्थायी राजधानी में मान लीजिए आप कि जैसे कहीं गर्मी लग गई तो आपका ऑर्डर आ गया कि चलो हिल स्टेशन घूम के आते हैं। तो इस तरह से जो है इन हिल स्टेशनों का विकास उपनिवेशिक काल में हुआ, क्योंकि एक एक तरह से अंग्रेजों की खोज ही मान लीजिए, क्योंकि उनको ठंडी जलवायु पसंद थी तो उन्होंने जो है ऐसे स्थानों का चुनाव अपने रहने के लिए जो है किया, ठीक है। कोलकाता का नियोजन, नगर नियोजन, यानी कि कलकत्ता जो है किस तरह से उसकी जो नगर नियोजन जो है उपनिवेशिक काल में कैसे हुआ, ठीक है बेटा। जब 1757 के प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों के साथ हार गया, इसके पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया किला बनाने का फैसला किया, ठीक है बेटा, और ऐसा किला जिसपे जो है आसानी से हमला ना किया जा सके, ठीक है बेटा। फिर ये कलकत्ता को जो है सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन तीन गांवों को मिलाकर के जो है बनाया गया था। नवनिर्मित ओल्ड बिरियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई, जो किला बनाया गया उसके आसपास की जगह जो है बहुत ज्यादा जगह खाली छोड़ दी गई, जिसे लोग स्थानीय लोग मैदान कहने लगे थे। इसके पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया कि किले के बाहर जो जगह थी उस पे क्या किया, आवासीय इमारतें बनाई। कलकत्ता में अंग्रेजों की बस्तियां इस तरह अस्तित्व में आनी शुरू हुई, ठीक। उसके बाद लॉर्ड वेलिजली जो है भारत के गवर्नर जनरल बने, उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए जो है गवर्नमेंट हाउस नाम से एक महल बनाया। ये जो है अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी, जो ये इमारत थी ये अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी। 1803 ईस्वी में वेलिजली ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर जो है एक आदेश जारी किया, इस विषय पर कई कमेटियों का गठन भी किया गया, ठीक है बेटा। इसमें से बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और कई सारे जैसे चमड़े के उद्योग की जो इकाइयां थी इनको साफ किया गया या हटा दिया गया, ठीक है बेटा। फिर इस तरह से जो है जब वेलेजली की विदाई हो गई, जब वो वहां से वापस चले गए, तो नगर नियोजन का कार्य सरकार की सहायता से लॉटरी कमेटी ने जारी रखा, ठीक है। लॉटरी कमेटी ने जो है ये कलकत्ता शहर का एक नया नक्शा बनाया, जिसमें जो है एक शहर की तस्वीर सामने आ सके, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है कमेटी की प्रमुख गतिविधियां शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण, नदी किनारे से लेके अवैध कब्जे हटाना शामिल था, यानी कि इस शहर को जो है भारतीय हिस्से को साफ सुथरा बनाने के लिए जो है कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया, और जो गरीब लोग इन झोपड़ियों में रहते थे उनको वहां से निकाल दिया गया, यानी कि भाई हम तो विकास कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, नदियों के किनारे साफ होने चाहिए, इस तरह से जितनी भी जो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ या कच्चे मकान थे उनमें रहने वाले गरीबों को जो है वहां से हटा दिया गया और उनकी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, ठीक है बेटा। हाँ, अब इस तरह से जब उन्हें कलकत्ता के बाहरी इलाकों में जो है जब जो उनकी बस्तियां तोड़ दी गई गरीबों की,
तो उनको जो है कलकत्ता के बाहरी किनारों पे जगह दी गई, और वहाँ पे जो है बार बार आग लगने का जो खतरा था, तो इस आशंका के कारण जो है जो घास फूस की झोपड़ियाँ थी उनका निर्माण प्रतिबंधित कर दिया गया और मकानों में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया, यानी कि भाई कोई भी घास फूस के मकान नहीं बनाया गया। ठीक है बेटा, और इसके बाद औपनिवेशिक काल में जो है अब बात आती है मद्रास के शहरीकरण की। मद्रास यानी कि जिसको वर्तमान में हम चेन्नई कहते हैं, ठीक है बेटा, ये 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास पट्टम में जो है एक व्यापारिक चौकी बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेना पट्टम कहते थे। ठीक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों की जो कंपनियां थी उनको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उनके साथ क्या थी, अंग्रेजों की कंपटीशन था, प्रतिद्वंदिता थी, और इससे जो है इस खतरे से कारण जो है अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। यानी कि भाई भाई दोनों का आपस में टकराव है दोनों कंपनियों का, तो एक दूसरे को खतरा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मद्रास को क्या कर दिया, उसकी किलेबंदी कर दी। ठीक है बेटा, और अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंप दी। 1760 से लेके 1760 से सॉरी 1760 में फ्रांसीसियों की हार, यानी कि जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें जो है फ्रांसीसी हार गए, और इसके पश्चात क्या हुआ, मद्रास सुरक्षित हो गया, क्योंकि जो खतरा था फ्रांसीसियों का वो अब टल चुका था, क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथों उनकी हार हो चुकी थी। ठीक है बेटा, और धीरे धीरे जो है मद्रास एक व्यापारिक और व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। ठीक है बेटा, फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का जो है केंद्र बन गया, जहाँ ज़्यादातर यूरोपीय रहते थे। दीवारों और बुर्जों को जो है एक खास किस्म की घेराबंदी का रूप दे दिया गया था। फिर अंग्रेजों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाज़त नहीं थी, यूरोपीय ईसाई होने के कारण। अब देखो ना, जातिवाद, धर्मवाद, यूरोपीय ईसाई होने के कारण जो है पुर्तगालियों और डचों को जो है वहाँ पे रहने की छूट थी। ठीक, और जितनी भी न्यायिक व्यवस्था होती थी वो क्या थी, अंग्रेजों के पक्ष में ही होती थी, यानी कि उसमें भारतीयों के पक्ष में जो है कुछ भी नहीं होता था। ठीक है बेटा, अब उपनिवेशवाद की बात आती है। उपनिवेशवाद का जो मूल तत्व है वो है आर्थिक शोषण, यानी कि जब कोई अमीर देश जो शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपने अधीन करता है, वहाँ के शासन प्रशासन को अपने इच्छा के अनुसार चलाता है, तो इसको जो है उपनिवेशवाद कहा जाता है बेटा। ठीक है, फिर हिल स्टेशन की स्थापना क्यों की गई, मैंने अभी आपको बताया कि भाई हिल स्टेशन इसलिए बनाए गए क्योंकि जो है वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी थी। फिर ये जो है वहाँ पे अंग्रेज अपनी सेना को रखते थे ताकि जो हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों से अपने सैनिकों को बचा सके। फिर वहाँ हिल स्टेशनों पे जो है फौज रखने से जो है सीमा की सुरक्षा भी आसानी से हो जाती थी, दुश्मनों पे भी देख रेख हो जाती थी। फिर जैसे किसी की तबीयत खराब होती थी तो आराम करने के लिए और इलाज करने के लिए हिल स्टेशन पे जाते थे। ठीक है बेटा, और जैसे अंग्रेज कोई नए नए यूरोप से आते थे तो उनको यहाँ की जलवायु बहुत पसंद थी। ठीक है बेटा, इसलिए जो उन्होंने हिल स्टेशन की स्थापना की। फिर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है व्हाइट टाउन था, वहाँ पे ज़्यादातर यूरोपीय रहते थे। ठीक है बेटा, फिर इन दीवारों को जो है बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेराबंदी का रूप दे दिया था। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर होता था। कंपनी के लोगों को भारतीय लोगों के साथ विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। किले के अंदर जो है यूरोपीय ईसाई होने के कारण जो है डच और पुर्तगाली ही रह सकते थे। ठीक है बेटा, तो फिर है एक चाल वाली बात आती है, चौल। आपने चौल शब्द जो है आपने मुंबई में सुना होगा। चौल जो है भीड़ भाड़ में, जैसे मुंबई में जो है विशेष प्रकार की इमारतें सामने आई जिन्हें चौल का नाम दिया गया। ये इमारतें बहुमंजिला होती है, इसमें बहुत सारे परिवार एक एक कमरों में रहते हैं, जिनका जो है एक ही बरामदा होता है, आना जाना वहीं से। आप आजकल की फिल्मों में भी चौल आप आसानी से मुंबई में देखने को मिल जाती है। फिर इसमें बात आती है बेटा, भारत का सरताज किस शहर को घोषित किया गया, तो आप बम्बई लिखेंगे। सात टापुओं का इलाका भी बम्बई को ही कहते हैं। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के किले पर हमला करके उस पर कब्जा किया था 1756 ईस्वी में। ठीक है, लॉटरी कमेटी क्या थी, लॉटरी कमेटी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लोग
नगर में सुधार करने के लिए, नगर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, पैसों की व्यवस्था करने के लिए जो है जनता के बीच लॉटरी बेच के करते थे। ठीक है बेटा, व्हाइट टाउन यानी कि जो महल थे वो किसके लिए होते थे, सिर्फ अंग्रेजों के या यूरोपीय ईसाइयों के लिए ही होते थे। ठीक है, दुबास कौन थे, दुबास मीन्स दो भाषाओं को जानने वाले, जिन्हें स्थानीय भाषा और अंग्रेजी बोलना दोनों आता था। तो ये लोग अंग्रेजों के बड़े काम आते थे, क्यों, माना स्थानीय भाषा है तो मैं माना यहाँ की अपनी स्थानीय भाषा भी जानता हूँ, अंग्रेजों की भाषा भी जानता हूँ, तो मैं इनकी भाषा को अंग्रेजों को समझा सकता था और अंग्रेजों क्या कह रहे हैं वो इनको समझा सकता था। इसलिए जो ये अंग्रेजों के लिए दुबास ये क्या थे, बड़े काम की चीज। ठीक है बेटा, फिर बात आती है कस्बा। कस्बा जो है ग्रामीण अंचल में एक छोटे से नगर को कहा जाता था, जहाँ पे शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक और शासक रहते थे। ठीक है बेटा, राइटर्स बिल्डिंग की बात आती है तो कलकत्ता में थी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है, आप बने रहेंगे।